नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अयोध्या में मस्जिद नहीं बन सकती, कहा योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या मामले पर एक विवादास्पद बयान जारी करते हुए भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह मक्का मदीना और वेटिकन सिटी में मंदिर नहीं बन सकता, उसी तरह अयोध्या में किसी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। अयोध्या में बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई हाशिम अंसारी और अखाड़ा परिषद के महंत ज्ञानदास ने मंदिर और मस्जिद अगल बगल बनाने की पेशकश की थी। योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को बकवास बताते हुए कहा कि इन दोनों को इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। प्राचीन कलाकृतियों पर टूट पड़े आईएस आतंकी। आईएस द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है, उसके आतंकवादी इराक के मोसुल शहर में प्राचीन कलाकृतियों को तोड़ रहे हैं। 5 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है कि दाढ़ी रखे हुए कुछ लोग मोसुल संग्रहालय दाखिल होते हैं और हथौड़े तथा दूसरे हथियारों की मदद से कई बड़ी प्रतिमाओं को तोड़ देते हैं। ये कलाकृतियाँ 7वीं सदी ईसा पूर्व की थी। माना जा रहा है कि उन्होंने कई कीमती कलाकृतियों को काला बाजार में बेच दिया और अपने हिंसक अभियान के लिए मोटी रकम एकत्र की। पुलिस हेड कांस्टेबल पर बलात्कार का मामला। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर एक महिला ने उसके साथ बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। हेड कांस्टेबल महिला का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी देवी रोहिणी थाने में तैनात है और महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से फरार है। महिला का आरोप है कि सिंह ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए और उसे धमकी दी कि यदि उसने इसके बारे में किसी को बताया तो उसके अंजाम भुगतने होंगे।